नफरत जो चल रही है लोगों के बीच में उसको खत्म करने की दुआएं मांगे और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्वीट न्यूज भारत में आपका स्वागत है। और आज भिवंडी शहर से एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि खान फकरे आलम है, वो आज भिवंडी शहर से अजमेर के लिए रवाना हो रहे, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनका ये उद्देश्य क्या है। खान साहब बताएंगे आप कि आज आप भिवंडी से अजमेर के लिए रवाना हो रहे हैं, इसका खास उद्देश्य क्या है? खास उद्देश्य ये है कि अपने देश में चुनाव घोषित है, कोई नफरत की बातें करता है, कोई मोहब्बत की बातें करता है, हमने तिरंगा उठाया, हम अपने देश की बात करते हैं और अजमेर तक जाएंगे, अजमेर दरगाह पर भिवंडी शहर में अमन शांति बनी रहे उसके लिए एक चादर पेश करेंगे। ये सफर कितना लंबा होगा? ये सफर 2200 किलोमीटर है जाना और आना। जाना और आना 2200 किलोमीटर है। तो इससे पहले मैंने 5 बार मोटरसाइकिल पर सफर किया है, भिवंडी से कश्मीर, भिवंडी से दिल्ली 3 बार, भिवंडी से वाघा एक बॉर्डर, वाघा बॉर्डर 1 बार। आपको क्या लगता है, आप जो यहाँ से अजमेर तक का सफर कर रहे हैं वो आपका सफर कैसे बीतेगा, क्योंकि रास्ते में राजस्थान की तपती गर्मी का भी आपको सामना करना पड़ेगा? गर्मी के हालात को देखते हुए सफर करेंगे, जब मौसम ठंडा रहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुकेंगे रास्ते में। यानी मुकाम करने का आपका ये ना वो है कि आप मुकाम करेंगे अगर मारेगा रात में पहुँचना है, आज रात में मारेगांव पहुंचना है। आप जो जा रहे हैं ये बाइक रैली जो आप अजमेर तक जाने वाले हैं, उसका खास उद्देश्य क्या है? हमारे देश में अमन शांति रहे, चुनाव घोषित है, कोई नफरत की बात करता है, कोई मोहब्बत की बात करता है, हम तिरंगे की बात करते हैं, अमन शांति बनी रहे। तो आपको क्या लगता है देश में इन चीजों से कुछ बदलाव आ सकता है? करना है बदलाव तो ऊपर वाले ने लिखा है क्या होगा, मगर करना चाहिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भिवंडी शहर के खान फकरे आलम, जो कि जो शहर में नफरतें जो चल रही है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक अल्प स्वल्प विराम लगाने की, एक पूर्ण विराम लगाने की एक कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में अमन और शांति कायम रहे। आमिर अंसारी, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी।